ऐसे लग रहा है कि लकड़ी को ही उठा के घर घर तक लेके चला जाओ। फिर से स्वागत है आप सबको मेरे YouTube चैनल पर। आज जा रहे हम जंगल में। जंगल में क्यों जा रहे हैं आप लोगों को आगे जाके पता चलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। और वीडियो को लास्ट तक देख के आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में बताओ कि मेरा अंदर में मतलब मेरे वीडियो में क्या कमी रहते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देख के और कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं वीडियो के बाद। एक्चुअली हम जंगल में जा रहे हैं मशरूम ढूंढने। तो सुनने में आया कि बारिश का वजह से, बारिश ज़्यादा गिरने का वजह से मशरूम बहुत निकल आए। बहुत लोग तो बस्ती वाला बहुत लोग तो ढूंढ के कल परसों ढूंढ के लेके आया था बहुत ज़्यादा। तो आज हम भी जाके ट्राई करेंगे कि मेरा किस्मत में मशरूम लिखा है कि नहीं। तो चलो निकलते और आई होप कि कुछ ना कुछ मिल जाए। तो निकलते हैं फिर। यहाँ पे रास्ता में ही बहुत सारा पड़ा हुआ है, ऐसे जो लकड़ी सड़ गया है उसमें होते। और ये आई थिंक इसमें कीड़ा पड़ गया क्या, बहुत बड़ा बड़ा हो गया, उसका वजह से कीड़ा पड़ गया जैसे लग रहा है। कीड़ा तो नहीं पड़ा इसमें, तो ठीक है इसको तोड़ देगा पूरा साफ करके और कई और जगह देखते क्या होते, ट्राई करते हैं। इसमें होते क्या है कि बहुत जल्दी कीड़ा लग जाते और ये जब थोड़ा बाद ज़्यादा बारिश गिर गया तब उगते, क्योंकि बारिश का समय में उगने के लिए आसानी होता होगा, इसलिए थोड़ा जल्दी उग जाते हैं बारिश का समय में। और जब बारिश गिर के फिर बारिश थोड़ा दिन नहीं गिरेगा तो फिर बहुत जल्दी सूख जाते हैं, नहीं तो बहुत जल्दी कीड़ा पड़ जाते हैं इसमें। वाह वाह, आज तो किस्मत ही खुल गया यार। चलो तो मिलते हैं आगे आगे। तो इसको तो पूरा साफ सूफ कर दिया, अभी नीचे जाके ढूंढेगा। नीचे भी हो सकते हैं मेरा ख्याल से, क्योंकि पहले पहले तो होता था नीचे तरफ में, हम इस पर क्या होगा। और आप लोगों को पता ना भूल जाए कि हम लोग लोकल लैंग्वेज में मशरूम को ट्रेप्सम बोलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ये लुबरंग लुबरंग जो एक तो बस्ती है उसका जंगल में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अगर आप लोगों को भी कभी दिन मौका मिले तो ज़रूर ढूंढने आओ ऐसे समय में। तो चलो आगे आगे बात करते करते चलते हैं फिर। यहाँ नीचे में एक तो पेड़ था, उसमें शायद काफ़ी ज़्यादा होता था पहले। और आप लोगों को फिर से एक बार बता देगा, ये मशरूम जो है जो पेड़ सूख गया हो और सड़ गया ऐसे वाला पेड़ में उगते हैं। ये पेड़ में ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा भर्ती होता था, इस पर शायद नहीं है। नीचे जाके देखिएगा कितना है, एक दो तो दिखाई दे रहा हमको। तो नीचे जाके देखिएगा कितना है इसमें। ओह माय गॉड, यहाँ से पूरा होता था, बढ़ती होता था यहाँ से, इस पर नहीं है शायद मेरा ख्याल से। वहाँ में एक दो पीस दिखाई दे रहे, चलो कोई बात नहीं, एक दो पीस तो मिला। इतना दूर आने का कुछ तो फ़ायदा हुआ। आजकल जंगल में ये भी डर रहते हैं कि सांप सांप वगैरह और यहाँ तर में जूक बहुत ज़्यादा होते, उससे थोड़ा बस के बैठना पड़ता है। और सांप बोलेगा तो मेरे को तो एकदम से अलग ही लेवल का डर लगता है। ये एक दो बिस्प है, इससे ज़्यादा नहीं लगते हमें। तो इसको भी तोड़ के ले जाए, शायद नीचे तरफ में दिखाई दे रहे क्या। चलो पहले इसको तोड़ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। यहाँ में ये लोग और भी बहुत बड़ा होगा, छोटा छोटा है, क्योंकि यहाँ देख सकते हो छोटा छोटा है। और जो शाम शाम में होते वो लोग इतना छोटा छोटा में छोड़ देते बड़ा होने के लिए, क्योंकि अभी ये जगह में तो पॉसिबल नहीं है फिर से पहुँचने के लिए। तो इसको भी लेके चला जाएगा हम लोग, ये छोटा छोटा पूरा, ये पूरा बड़ा होगा और इसको तोड़ के ले जाएगा, क्योंकि यहाँ पहुँचना बहुत ही मुश्किल है दोबारा, इतना बड़ा हो जाएगा वो बात को। तो वहाँ नीचे में एक दो पीस दिखाई दे रहे, वहाँ जाके वो एक दो ठो तोड़ लेगा फिर आगे चलते हैं। अभी हम यहाँ से जा रहा था, अचानक से देख गया, लेकिन इसका कलर जो थोड़ा चेंज चेंज लग रहा है, नीचे जाके देखिएगा
ये वही है या कुछ और है। और गाइस वीडियो को पोस्ट करो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि किस किस का ऐसे जंगल घूमने का एक्सपीरियंस हो चुका है, मतलब कौन कौन ऐसे मशरूम ढूंढ के जंगल में चल चुका है। वीडियो को पोस्ट करो और कमेंट ज़रूर कर दो। तो चलो नीचे पहुँच गया, होनी में तो वही है क्या। हाँ वही है, बट इसमें ये बहुत ज़्यादा है इसमें, और बहुत बड़ा बड़ा हो गया है। इसको देखते हैं इसको कैसे तोड़ने से ठीक रहेगा। अरे बाप रे, इसके नीचे नीचे से पूरा आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ से नीचे हम वहाँ ढूंढ रहा था, और ये यहाँ पे इतना ज़्यादा मात्रा में। चलो इसको भी साफ करके तो फिर हम लोग निकलते हैं। वाह अभी तक इतना ही मिला, ये आई थिंक 5 किलो का प्लास्टिक है, ये बढ़ती लेके जाएगा आज तो। और मेरा ख्याल इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, क्योंकि जैसे आज जंगल में घुसा वैसे मिलना स्टार्ट हो गया हमको। शायद ये थोड़ा कीड़ा उड़ा ने खाया क्या, तो इसको हम अलग से रख देगा, क्योंकि जो कीड़ा ने खाया हुआ है उसको सूखा के रखने से कीड़ा पूरा, मतलब अंदर में जो कीड़ा होता है वो कीड़ा पूरा बाहर निकल जाता है। तो इसको हम यहाँ झोला एकदम हैंड में रही, चलो झोला में डाल के ले जाएगा इसको। तो बाकी जो अच्छा है ये प्लास्टिक में ले जाएगा, और जो थोड़ा ख़राब लगता है वो झोला में लेके जाएगा। तो चलिए फिर इसको तोड़ के बात करते हैं। फाइनली तोड़ के हो गया, मेरा बैग आधा हो गया ये पेड़ से, और कुछ कुछ तो हमने वहीं पर छोड़ दिया, क्योंकि वो लोग ऑलमोस्ट सरने सरने वाला, आप लोग वहाँ देख सकते। तो बहुत ज़्यादा मिला अभी, इसका कलर देखो और इसका कलर देखो, क्योंकि ये एकदम फ्रेश फ्रेश है, ये थोड़ा पुराना हो गया। एक दो दिन आगे आने से हमको यहीं से एक बैग बढ़ती मिल जाना था, हमने एक दो दिन आने में लेट कर दिया, कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम। तो चलो इसको पैक करते फिर निकलते। और अभी चलते चलते एक प्लेन में पहुंचा था, और यहाँ पे वाइल्ड स्ट्रॉबेरी आप लोग देख सकते हैं, अभी पक गया है थोड़ा मोरा, इतना मीठा नहीं हुआ है अभी तक, इसका टेस्ट अभी भी थोड़ा खट्टा खट्टा है। तो कभी और दिन टाइम मिलेगा तो आप लोग को इसका भी, इसके ऊपर भी एक व्लॉग बना के दिखाएगा आप लोग को। और यहाँ पे चलते चलते हमको मिला है, ये भी एक किस्म का सब्जी है जो हम लोग लोकल लैंग्वेज से इसको यो बोलते हैं। तो इसका सब्जी भी बहुत टेस्ट होता है, तो अभी तो हमको तोड़ने के लिए आलस लग रहा है, इसको छोड़ देगा, कभी और दिन आके तोड़ के ले जाएगा, जो तोड़ा है वो जो लेके चला जाएगा। और किसी ने तो ये तो ज़रूर देखा होगा कहीं इंटरनेट में वगैरह, मतलब इसको हम लोग लोकल लैंग्वेज सिंगोरा बोलते हैं। और पहले साल 2020 तक इसका दाम चला था, क्योंकि इसे सुनने में आया कि ड्रग्स वगैरह भी बनाए जाते इससे, पर केजी 400-500 देता था इसका। अभी इसका मतलब बंद हो गया इसका, तो अभी चलते हैं आगे, फिर देखते हैं क्या क्या मिलते हैं। तो इसको भी ले जाएगा, लगा के रख देगा, क्या मालूम बात को दाम चलने से तो कुछ ना कुछ तो काम आ जाएगा। और ये देखो भाई साहब इतना बड़ा बड़ा है, यहाँ एक दो ज़्यादा नहीं है इसमें, थोड़ा सा है, इसको भी तोड़ के ले जाएगा। तो अभी तो भूख भी लग रही, जल्दी घर लौटना पड़ेगा, क्योंकि सुबह 9 बजे निकला था, अभी तो 2 बजने जा रहे, भूख लग रही इसलिए घर जाना पड़ेगा। खाने के लिए भी कुछ लेके नहीं आया था, तो जाना पड़ेगा घर, थोड़ा सा ढूंढते फिर देखते हैं लास्ट तक कितना मिलता है। तो अभी इसको तोड़ के निकल जाएगा। फाइनली अभी घर में पहुँच चुका है, ये अच्छा वाला है और ये थोड़ा ख़राब वाला है, और ये यो अभी दोबारा खाना खा के इसको ढूंढने जाएगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही।